नमस्कार, मैं हूं श्वेता टुटेजा और आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज का ये खास कार्यक्रम, जहां हम बात करेंगे ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी कुछ सामान्य से परेशानियों की और उनके समाधान की, जो बहुत ही साधारण समाधान होंगे, जिन्हें हम जानेंगे हमारे स्टूडियो में मौजूद पंडित नीरज शर्मा जी से, जिन्हें हम पाटन वाले गुरु जी के नाम से भी जानते हैं। पंडित जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, हमने बहुत लोगों को कहते सुना है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, हम अपना जी जान लगा देते हैं, लेकिन हमें परिणाम वो नहीं मिलते जो हम चाहते हैं। हमारे व्यवसाय उतनी बढ़ोतरी पे नहीं चलता जितनी हम मेहनत करते हैं। हम अभी भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे होते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या ज्योतिष में इसके कारण छुपे हैं, और क्या इनके समाधान भी उसी ज्योतिष और उसी कुंडली में ही है? बिल्कुल सर, जन्म कुंडली एक ऐसा जरिया है जिसमें मानव जीवन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, दुर्घटनाएं हैं या अच्छी खबरें हैं, सब जुड़ी हुई हैं और उससे सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। तो आपने एक विषय लिया है अभी कि आर्थिक तंगी क्यों होती है। मनुष्य बहुत प्रयत्न करता है लेकिन फिर भी वहीं का वहीं खड़ा रहता है, उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, समस्याओं से जूझना पड़ता है, लेकिन फिर भी तरक्की नहीं हो पाती है। इसका मुख्य कारण जो है जन्म कुंडली के आधार पर, जो जन्म कुंडली का द्वितीय भाव होता है उसे धन भाव ही कहते हैं, और ग्यारहवां भाव जो होता है उसे लाभ भाव कहते हैं। तो धन भाव और लाभ भाव, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, दोनों चीज़ों से यदि नेगेटिव प्रभाव मिलता है तो व्यक्ति जो है समस्याओं से जूझता रहता है, लेकिन उसको धन की प्राप्ति नहीं हो पाती और लाभ कम मिलता है जीवन में। तो ऐसी क्या बात है? तो दूसरे भाव में पाप ग्रहों का बैठना, या कोई भी जो ग्रह बैठा है वो शत्रु राशि का बैठा है, या द्वितीय भाव में जो राशि विद्यमान है उसके स्वामी जो है अशुभ भाव में बैठे हैं या शत्रु के साथ बैठे हैं, या धन भाव में राहु केतु शनि मंगल आदि का उपस्थित होना, और लाभ भाव जो है ग्यारहवां भाव, उसमें राहु केतु शनि और मंगल का उपस्थित होना या उस पर दृष्टि आना, ये सब बातें ऐसी बातें हैं जिनके कारण व्यक्ति को विशेष लाभ जीवन में नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली, जब हमारा जन्म हुआ है तब जो ग्रह जहाँ स्थित था उसमें जो चार्ट बना है वही जन्म कुंडली है, तो हम ये जन्म से लेके आए हैं तो उन ग्रहों को बदल नहीं सकते। तो लेकिन ऐसा है कि ग्रहों की शांति करके, जिस समस्या के कारण जो ग्रह हमें समस्या दे रहे हैं उन ग्रहों की शांति करके हम जो हमारी ये समस्या को कम कर सकते हैं। तो देखिए साहब, आप के मैं कुछ यहाँ निवारण बताऊंगा आपको कि निवारण क्या है उसका। यदि हमें आर्थिक तंगी ज़्यादा है, समस्याएं ज़्यादा आ रही है, तो क्या करना चाहिए? तो पूर्णिमा के दिन एक हरे कपड़े की थैली बनाएं छोटी, और उसमें 7 मूंग के दाने, 10 ग्राम हरा धनिया जो सूखा धनिया होता है वो, 5 मुखी रुद्राक्ष, 2 सुपारी जो पूजा की सुपारी होती है वो, और 1 चांदी का सिक्का उसमें डाल दें और भगवान श्री गणेश जी के सामने उसको लेके बैठ जाएं और 11 बार कहें श्री गणेश जी महाराज सहाय करो, ऐसा 11 बार जाप करना है। फिर इस पोटली को धूप दीप करके और ये 11 बार मंत्र सुना के हमारा जहाँ भी कैश बॉक्स है, जहाँ हम हमारे पैसे रखते हैं वहाँ रख दें, और फिर रोजाना हमें इस पोटली की धूप दीप करनी है। और इसी के साथ साथ श्री गणेश जी को रोजाना मोदक के लड्डू चढ़ाकर एक घी का दिया लगाकर ओम श्री गणेशाय नमः या ओम श्री गणेश जी महाराज सहाय करो, ऐसा मंत्र का जाप 108 बार करना है।
तो जल्दी से ही जो है आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी। दूसरा, आप पंडित जी बोलिए। दूसरा एक उपाय और, हमारे जो घर में दुकान में जहाँ पर हमें ज़्यादा समस्याएं आ रही है, हमें संघर्ष ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो उसकी पश्चिम दिशा में बीचों बीच न तो उस कोने में न इस कोने में एक सरसों के तेल का दिया रोजाना लगाएं बिना नागा के। प्रतिदिन लगाने से शनि का प्रभाव कम होगा और हमारे जो है व्यवसाय में तरक्की मिलेगी। तो ये छोटे से साधारण से उपाय करने से लोग अपनी आर्थिक तंगी से उसकी समस्या को दूर कर सकते हैं। जी पंडित जी, तंगी से हम बात करते हैं तंगी की, तो लोग तंगी से इतने परेशान हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने आत्महत्या तक का ऐसा कदम उठाने का सोचते हैं, तो ये सब भी क्या कुंडली के कारण, ग्रहों के कारण ही होता है कि वो डिप्रेशन में जाके इतना घातक कदम उठाने तक का सोच लेते हैं? बिल्कुल सही बात है साहब, कि ऐसी समस्या करीब करीब मान लीजिए 40-50% लोगों को आती है। और क्यों आती है ये भी जन्म कुंडली में ही इसी का कारण छुपा हुआ है। यदि जन्म कुंडली के प्रथम भाव लग्न में राहु की उपस्थिति है तो मन में ऐसे भाव आएंगे कि जीवन से क्या करना है, अब मुझे तो नहीं जीना है, ऐसे भाव मन में आते हैं। दूसरा, चंद्रमा जो ग्रह है वो शीतलता का प्रतीक है और हमारे मन का स्वामी है, लक्ष्मी का प्रतीक है, इन तीनों चीज़ों का प्रतीक चंद्रमा होता है और इसके साथ राहु की युति है तो राहु मतलब नकारात्मकता, और मन में यदि नकारात्मकता आ जाती है तो व्यक्ति जल्दी निराश होता है। छोटी सी भी उसको परेशानी आई कि वो जल्दी निराश हो जाता है और मन में उसको भाव आएंगे कि मुझे जी के कुछ नहीं करना है और आत्महत्या के भाव भी ऐसे मन में आ जाते हैं उसके। तो चंद्रमा और राहु की युति जिन लोगों को होती है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको जीवन में एक बार डिप्रेशन जरूर होगा, निराशा जरूर आएगी और डिप्रेशन के कारण वो ऐसा सोचते हैं कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए, ये कारण है आत्महत्या। तो इसका कुछ साधारण सा निवारण जो हमारे आम जनता, क्योंकि आज का दौर ही ऐसा चल रहा है पंडित जी कि हर तरफ से इंसान प्रेशर झेलता है, कोई इसको झेल पाते हैं कोई नहीं झेल पाते, कोई इसको बहुत हंस हंस के पार कर जाते हैं, कोई डिप्रेशन में चले जाता है, कोई आत्महत्या का करने तक का सोच लेता है, तो क्या साधारण से समाधान है जिसको करने से हमारे मन के ये भाव वैसे ना जाए, डिप्रेशन की तरफ ना जाए? बिल्कुल, इसका निवारण मैं बता देता हूँ आपको। देखिए साहब, के चंद्रमा, अभी मैंने जैसा बताया आपको, चंद्रमा और राहु दो जो ऐसे ग्रह हैं जिनके कारण ये समस्या पैदा होती है, और दोनों ग्रहों के अधिष्ठाता जो है भगवान भोलेनाथ हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसके जन्म कुंडली में चंद्रमा और राहु की युति है या लग्न में चंद्रमा है तो उन्हें भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए, और रुद्राभिषेक रुद्र मंत्रों से किया जाता है और साधारण मनुष्य को इसकी जानकारी नहीं होती है, तो केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान भोलेनाथ के ऊपर कच्चे दूध और जल को मिलाकर उनका अभिषेक करना चाहिए, बारीक धार के शिवलिंग के ऊपर लगाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करते जाएं, और सोमवार के दिन यदि चांदी से या चांदी के रंग से बना हुआ नाग जो है, नागिन का जोड़ा है, वो उनको भगवान भोलेनाथ को चढ़ाएं हर सोमवार, और प्रतिदिन अभिषेक करना है तो भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होने से राहु और चंद्रमा दोनों ग्रहों की जो है शिथिलता होती है, राहु नियंत्रण में आते हैं जिससे ये भाव मन में दूर होते हैं और जो है ये आत्महत्या का जो दोष है वो दूर होता है। पंडित जी, हमने सुना महामृत्युंजय जाप भी इसमें कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल होता है, तो क्या ये सही है, महामृत्युंजय जाप भी करा सकते हैं ऐसी स्थिति? बिल्कुल बिल्कुल साहब, महामृत्युंजय जाप जो है जिससे जैसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है महामृत्युंजय, तो मृत्युंजय जो भगवान भोलेनाथ का नाम है और महामृत्युंजय जो है वो मंत्र जो ये सिद्ध मंत्र है
है ना, हमारे ऋषि मुनियों ने इसको सिद्ध किया है, इस मंत्र को, इस मंत्र को यदि भगवान भोलेनाथ के सामने बोला जाए तो दुर्घटनाएं टल जाती है। चंद्रमा और राहु की युति के कारण, ये लग्न में राहु होने के कारण जो दुर्घटना योग बन रहा है वो भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होने से टल जाता है। ये तो बहुत साधारण से उपाय पंडित जी ने बताए और हमें लगता है कि ये आम लोग कभी भी कहीं पे भी कर सकते हैं। पंडित जी, ये तो बात हुई ज्योतिष की, अब हम अगर थोड़ा सा रुक करें वास्तु की तरफ, तो हमें आप बताएंगे कि मंदिर किस दिशा और पूजन कैसे करना चाहिए। घर में मंदिर हर किसी के होता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता है कि मंदिर किस दिशा में होना चाहिए और उसमें पूजा पाठ किस तरीके से करनी चाहिए। तो वास्तु में मंदिर का तो बहुत महत्व होता है जी। तो हम दर्शक जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक, कि मंदिर किस दिशा में और पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए। देखिए साहब, हमारा जो भी घर है उसमें पूर्व दिशा और उत्तर दिशा का जो कोना होता है बीच में, जहाँ पूर्व दिशा और उत्तर दिशा मिलती है, उसको ईशान कोण कहा जाता है। तो ईशान कोण में हमेशा मंदिर की उपस्थिति होना चाहिए, मंदिर वहीं बनाना चाहिए ईशान कोण में ही। और हमारा मुंह जो होता है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए, पूजा करते वक्त भगवान का मुंह पश्चिम में हो और हमारा मुंह पूर्व में हो, तो ऐसे पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के कुछ विशेष तरीके भी होते हैं पंडित जी। देखिए साहब, कि जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते समय सबसे पहले हमें आसन का बहुत महत्व है, आसन लगाना चाहिए, बिना आसन के पूजा नहीं होती, आसन लगा के बैठना चाहिए। फिर भगवान के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाना चाहिए। जब वहाँ अग्नि प्रज्वलित होती है तो चैतन्यता आती है, और वो चैतन्यता जब भी हम भगवान का नाम लेंगे तो वो चैतन्यता ही जो है हमें परिणाम देगी, तो भगवान की चैतन्यता जरूर होनी चाहिए, तो अग्नि प्रज्वलित करना चाहिए, है ना। उसके बाद जो भी हमने पूजा कर ली, वो भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया, माता महालक्ष्मी भगवान विष्णु का अभिषेक किया, और फिर उनको वापस शुद्ध जल से स्नान करवा कर पूजा स्थल में वापस बैठा दें, उनको चंदन लगाएं, भोग लगाएं और उनकी आरती करें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ की ओम नमः शिवाय की 5 माला, ओम नमः शिवाय बोलते हुए 5 माला जरूर करनी चाहिए। इससे हमारे घर में आ रही विपदाएँ दूर होती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और यदि कच्चे दूध और जल से अभिषेक कर सकें तो लक्ष्मी की प्राप्ति भी हो जाती है हमें। और हमारे जहाँ भी, यदि बहुत से लोग बोलते हैं साहब कि हमारा पैसा रुक गया, उधारी उलझ गई, तो इन सभी चीज़ों में कारगर सिद्ध होता है भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कच्चे दूध और जल से करना और ओम नमः शिवाय का जाप करना। पंडित जी, हम बात कर रहे हैं घर की, तो घर का सबसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है किचन। इंसान या तो बना बनाया मकान खरीदता है या बना लेता है, उस टाइम वास्तु का ध्यान नहीं देता है। तो ऐसा कुछ निवारण आप हमें बताइए कि बिना तोड़ फोड़ के, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे किचन किस दिशा में होना चाहिए, और अगर गलत दिशा में बना है तो बिना तोड़ फोड़ के उसका क्या निवारण है कि हमारा वास्तु दोष खत्म हो जाए। बिल्कुल साहब, देखिए साहब, जिस तरीके से मंदिर उत्तर पूर्व के कोने में होना चाहिए, उसी प्रकार दक्षिण और पूर्व का जो कोना है उसे अग्नि कोण कहते हैं। तो जैसा नाम से ही प्रतीत है अग्नि, तो वहां अग्नि का वास होना चाहिए, और जब किचन होता है तो अग्नि जरूर होती है, तो वो जो है उपयुक्त कोना है किचन बनाने का, अग्नि कोण। फिर अब हमें जब खाना बनाना पड़ता है तो हमारा मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए, तो जब किचन का प्लेटफार्म बनाएं तो प्लेटफार्म पूर्व दिशा में होना चाहिए और हमारा मुंह जो है पूर्व दिशा में खाना बनाते वक्त होना चाहिए, ये बिल्कुल उपयुक्त पोजिशन है। और यदि एक बात मैं और बताना चाहूँगा आपको कि अग्नि कोण में यदि कोई दोष है, जैसा नाम से प्रतीक अग्नि कोण, और कितने ही घरों में मैंने देखा है कि घर में अग्नि कोण में पानी की टंकी होती है जहाँ 24 घंटे पानी भरा रहता है, तो नाम से प्रतीत अग्नि कोण, वहाँ अग्नि का उपस्थित होना चाहिए लेकिन वहाँ पानी उपस्थित है, तो बिल्कुल अपोजिट हो गया मामला। तो ऐसी जगह 2-3 समस्याएं हमें देखने को मिलेगी, यदि पानी की टंकी हुई, चैम्बर हुआ, उस जगह लेटरिन बाथरूम हुआ या सीढ़ियाँ हुई,
तो ये सब चीजें दोष होता है अग्निकोण का। तो बिना तोड़फोड़ के कुछ उपाय पंडित जी? जी, यदि ये दोष तो है, अब दोष है तो कारण है तो निवारण भी है, उसका समाधान भी है। तो हम ये सलाह देते हैं कि तोड़फोड़ नहीं करना। साधारणतया तोड़फोड़ करने में लाखों रुपए खर्च हो जाता है, लेकिन हम ये बोलते हैं कि आप तोड़फोड़ मत कीजिए, उस जगह अग्नि तत्व की प्रधानता कर दीजिए तो समस्या ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी। तो अग्निकोण में सबसे पहले तो एक लाल कलर का बल्ब जलाएं और वो 24 घंटे जलता रहे। तो लाल कलर का जो बल्ब है उस कोने में अग्नि तत्व की प्रधानता कर देगा और धीरे धीरे उस समस्या में दूर होगी। इसी प्रकार अग्निकोण में, क्योंकि अग्निकोण शुक्र का कोना होता है, शुक्र ग्रह वहाँ की प्रधानता होती है, तो शुक्र यंत्र की स्थापना भी करनी चाहिए यदि वहाँ पर दोष है तो। तो ये थे पंडित नीरज शर्मा जी। आपके जीवन में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान आप पा सकते हैं सिर्फ घर बैठे, और वो भी सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर। हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें पंडित जी से और अब घर बैठे अपनी सारी समस्याओं का समाधान पाएं। ज्योतिष हो या वास्तु हो, किसी भी समस्या का समाधान पंडित जी ज़रूर करेंगे। तो ये था आज का कार्यक्रम। बाकी सभी मंगल कामना करते, सबकी मंगल कामना करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं और जल्द फिर हाजिर होंगे किसी नई चर्चा के साथ, किसी आम लोगों की, आम जनता की आम समस्या और उनके समाधान के साथ।